Good morning students, welcome to SST so simple tutorial. पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे एक राष्ट्र को एलेगरी के माध्यम से चित्रित किया जाता है. फिर हमने जर्मनी तथा फ्रांस के एलेगरी के बारे में भी जाना. आज हम यूनिट 5 नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म पढ़ेंगे. यहाँ हम यह देखेंगे कि बाल्कन रीजन कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया. यहाँ एक नया शब्द इंपेरियलिज्म आता है. इसका मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में साम्राज्यवाद कहते हैं. इंपेरियलिज्म एक दृष्टिकोण है, एक सोच है, जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी ताकत और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्स पर राजनीतिक रूप से, सेना की सहायता से या अन्य तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है. अभी मैं आपको बाल्कन की कहानी सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बाल्कन देशों के बीच आपसी टकराव क्यों पैदा हुआ और इसका फायदा बड़ी शक्तियों ने कैसे उठाया और अपने इंपेरियलिस्ट एम को कैसे आगे बढ़ाया. 1871 के बाद यूरोप में सबसे गंभीर अगर कहीं टेंशन था तो वो बाल्कन रीजन में था. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र किसे कहते हैं. बाल्कन रीजन साउथ ईस्टर्न यूरोप में मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच का क्षेत्र है. इसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो शामिल थे. इस क्षेत्र में रहने वालों को स्लैव्स कहा जाता था. बाल्कन रीजन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अधीन हुआ करता था. इस विशाल एम्पायर में अलग अलग जाति के, अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग धर्म के लोग रहते थे. राजा या शासक वर्ग तो मुसलमान था पर प्रजा ज्यादातर ज्यूज या क्रिश्चियन थी. 19 सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर की ताकत बहुत कम हो गई थी. इसके साथ ही रोमांटिक नेशनलिज्म के फैलने से वहां की स्थिति विस्फोटक हो गई थी. इट बिकेम एक्सप्लोसिव. उसके अधीन जो क्षेत्र थे उन लोगों ने अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया. एक एक करके ऑटोमन एम्पायर के चंगुल से निकलकर वे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे. आपको ग्रीस की कहानी तो याद होगी, वह भी तो ऑटोमन एम्पायर से ही अलग हुआ था. इन लोगों ने इतिहास की मदद से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वे कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे पर बाद में विदेशी ताकतों ने उन पर नियंत्रण कर लिया. इस तरह से विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आजादी को वापस लाने के प्रयास के रूप में देखा. जैसे जैसे ये विभिन्न स्लाव ग्रुप्स अपनी इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी को डिफाइन करने की कोशिश की, यह बाल्कन रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता चला गया. हर राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और हर राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था. परिस्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई जब बड़ी शक्तियां जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी आदि भी इस क्षेत्र में रुचि लेने लगे. इन लोगों ने बाल्कन राष्ट्रों के बीच टकराव का फायदा उठाना चाहा और अपने इंपेरियलिस्ट एम को आगे बढ़ाया. बड़ी शक्तियों के बीच भी कंपटीशन होने लगे. ये सारी बड़ी शक्तियां दूसरे के पावर को कम करके बाल्कन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी. तो यहां एक तरफ जहां बाल्कन कंट्रीज को अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी बड़ी ताकतों में इंपेरियलिज्म की भावना भी साफ दिखाई दे रही है. इसका रिजल्ट यह हुआ कि इस रीजन में कई युद्ध हुए और अंततः फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया. तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू डिजास्टर इन 1914. एक्सप्लेन. यदि आपको यह नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का कनेक्शन समझ आ गया तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं. तो आइए अब देखते हैं कि कॉलोनिज्म में क्या हुआ. विश्व के कई देश जिनको यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, वे भी अपने कॉलोनियल पावर का विरोध करने लगे. जैसे कि इंडिया, यह इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करता था
और यहाँ लोग इन ताकतों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने लगे। वैसे ही दूसरे देशों के लोग भी इन साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करने लगे। वे सभी एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की भावना से प्रेरित थे, जो कि इस साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरे। पर यह विचार कि समाज को नेशन स्टेट्स में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक मान लिया गया। तो ये थी बाल्कन की कहानी। आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। विच एरिया ऑफ यूरोप वॉज नोन एज द बाल्कन्स? स्पष्ट है। नेम द मेजर पावर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन द बाल्कन्स? एक्सप्लेन। इसके साथ ही ये लेसन भी समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए और एक बार फिर वीडियो देखिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम एक नए लेसन में मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।